नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। आज आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती के बारे में कि इसके कब से एप्लीकेशन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे, कैंडिडेट्स ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले किन जरूरी बातों को हमें ध्यान रखना है। तो जो भी लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी पुलिस की भर्ती के लिए इन तीन चीजों की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती के मेथड, और तीसरा है एप्लीकेशन फॉर्म कब से मिलना शुरू होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तीन फैक्टर है हमारे। पहला है एज का, दूसरा है फिजिकल क्वालिफिकेशन, तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं एज से। तो एज का जो हमारा क्राइटेरिया है इसमें आप देखेंगे तो जो भी पोस्ट है हमारी, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर रेडियो, सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट्स, सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, लेडी सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर, तो इन सारी पोस्ट के लिए जो हमारी मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है और जो अपर एज लिमिट है वो 28 साल है। तो ध्यान रखना है कि 18 से 28 के बीच में ही जिसकी एज हो वही लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, नहीं तो आगे चल के जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगला है फिजिकल क्वालिफिकेशन का। तो फिजिकल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपकी हाइट का। तो हाइट जो है वो 167.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, अगर महिलाओं में बात करें तो 152.4 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये थी हाइट। दूसरा है चेस्ट। चेस्ट में अगर बात करें तो 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन मतलब कि बिना फुलाए आपका जो एक चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आफ्टर एक्सपेंशन मतलब फुलाने के बाद जो चेस्ट है वो 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, किसी कभी लोगों को कंफ्यूजन भी होती है कि अगर उनका मिनिमम चेस्ट ही ऑलरेडी अगर 82 सेंटीमीटर है या 83 सेंटीमीटर है तो उस केस में उनको अपना चेस्ट जो है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर तक फुलाना ही है, ध्यान रहे इस चीज का। तीसरा है कैंडिडेट्स जो है वो फिजिकली हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स फिजिकली हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। चौथा है कैंडिडेट शुड नॉट हैव नॉकनी। नॉकनी का मतलब होता है अंदर की तरफ घुटने, फ्लैट फुट मतलब कि समतल पैर नहीं होने चाहिए, और विजन डिफेक्ट मतलब कि किसी भी तरीके की आंखों की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो पूरी की पूरी तरह मेडिकली फिट होना चाहिए। तो ये जो है ये चार इंपॉर्टेंट है, हाइट, चेस्ट, हैंडीकैप्ड और नॉकनी, फ्लैट फुट और विजन। तो ये चार चीजें हैं जो फिजिकल क्वालिफिकेशन की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करें तो पोस्ट वाइज सबके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहला है सूबेदार। सूबेदार में जो उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो है बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट मतलब कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सेम वही चीज मांगी गई है। सब इंस्पेक्टर रेडियो के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लोग ध्यान दें कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, किस कोर में, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन में। सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट्स की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के लिए बात करें तो सेम वही है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। लेडी सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और प्लाटून कमांडर के लिए बात करें तो सेम वही, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इक्विवेलेंट या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये था मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे वो लोग ध्यान रखें कि ये इतना मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी होनी ही चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल ना कीजिए अगर आप लोग इस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं। तो अगला है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट
मतलब कि भर्ती के टाइम पे क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी स्टेज में क्या होता है। तो सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, दूसरी स्टेज आती है रिटन एग्जामिनेशन, तीसरा आता है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट और चौथा आता है इंटरव्यू। तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड से। तो ये सेम वही है जो मैंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बताया था कि पहला आपका हाइट आता है, दूसरा आपका चेस्ट आता है, तीसरा हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, चौथा नॉकनी, फ्लैट फुट या किसी भी तरीके की आंखों की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो ये था फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर। दूसरा बात करें रिटन एग्जामिनेशन, तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहला है जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें से आपसे हिंदी जो पूछी जाएगी वो 70 मार्क्स की पूछी जाएगी और जो इंग्लिश होगी वो 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। दूसरा है जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज जो है 100 मार्क्स की होगी, जिसकी भी अवधि 2 घंटे की होगी। तो ये जो दोनों टेस्ट हैं, ये आपके किसी भी पोस्ट के लिए कंपलसरी हैं। तीसरा जो टेस्ट है आपका वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसकी भी अवधि 2 घंटे की होगी। बट ये वाला जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर रेडियो, फिंगरप्रिंट्स और क्यूडी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के लिए एग्जाम होगा। अगला आता है मेरिट लिस्ट। तो जैसे ही आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम के जो मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। तो पहली जो मेरिट लिस्ट होगी आपकी, वो मेरिट लिस्ट होगी सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लातून कमांडर के लिए, और दूसरी जो मेरिट लिस्ट होगी वो होगी सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए। तो जो जैसे ही मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होती है, वो मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि जो आपकी वैकेंट पोजीशन है, जितनी भी पोजीशन खाली होती हैं, उसके 5 गुना ज्यादा लोग सेकंड स्टेज के लिए बुलाए जाते हैं, ध्यान रहे। अब इसमें एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं कि जो भी 5 गुना लोग ज्यादा बुलाए जा रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट कैंडिडेट होगा, ध्यान रखना है, जो सबसे लास्ट कैंडिडेट होगा, जिसके नंबर जितने भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल उसके नंबर 160 है, तो जितने 160 मार्क्स वाले और भी कैंडिडेट्स होंगे, वो सारे के सारे सेकंड स्टेज के लिए बुला लिए जाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि वो 5 गुना से ज्यादा तो नहीं हो जा रहे लोग। तो ये चीज मेरिट लिस्ट के बारे में था। मेरिट लिस्ट के बाद जैसे ही जो लोग 5 गुना लोग ज्यादा बुलाए गए हैं, उनका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो ये फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे ही लोग एग्जाम दे देंगे, रिटन एग्जामिनेशन की जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद जो सेकंड स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे, उनका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का होगा, और इस तरीके से ये टोटल 5 टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला है लॉन्ग जंप, ये 20 मार्क्स का होगा, हाई जंप 20 मार्क्स का होगा, शॉर्ट पुट 20 मार्क्स का होगा, 100 मीटर रेस 20 मार्क्स का होगा और 1500 मीटर रेस 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से ये टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, जो कि फिजिकल टेस्ट होता है। अब जैसे ये टेस्ट के मार्क्स हैं 20 मार्क्स हैं, तो 20 मार्क्स का भी रहता है कि 16 मार्क्स कितने मीटर की रेस में दिए जाएंगे, या कितने मीटर की आपने जंप करी है उसमें दिए जाएंगे। अगर 20 मार्क्स है तो वो आपका कितने मीटर के लिए दिया जाएगा। तो इस पे अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊं, जिसमें आपको सारे मार्क्स के बारे में बताऊं कि कितने मीटर पे आपको जाके कितने नंबर मिलेंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे उस चीज को लेकर के, तो मैं अगली वीडियो इस पे भी बनाऊंगा। अगली स्टेज आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए जैसे ही आपकी ये जो स्टेज हो जाती है, फिजिकल टेस्ट आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है वो 50 मार्क्स का होता है, पीआई राउंड जो है वो 50 मार्क्स का होगा। तो ये थे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब कि भर्ती की स्टेजेस क्या क्या होती हैं उनके बारे में मैंने बताया। अगला है एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी लोग एमपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि भाई लोग आप लोगों को पता है कि जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जिसके चलते जो एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में आने वाले थे, स्टार्टिंग मार्च में आने वाले थे, वो डिले हो चुके हैं लॉकडाउन के चलते। तो अभी इंटरनल सोर्सेज से मेरे को ये पता चला है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, उसके तुरंत बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इंटरनल सोर्सेज से पता चला है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा, उसके तुरंत बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर जाके www.mppolice.gov.in पे जाके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ का जो लिंक है वो तुरंत जल्दी ही लाइव हो जाएगा, जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने मेन 3 चीजों पे बात की। सबसे पहला कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है,
दूसरा हमने बात करा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में, और तीसरा हमने बात करा एप्लीकेशन फॉर्म कब से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट है तो आप लोग वो हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी डाउट्स हैं आपके वो लोग हम कमेंट सेक्शन में आपके क्लियर कर सकें। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, खास करके उन लोगों के साथ में जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।